नमस्कार, स्वागत है आपका वरदान न्यूज में और मैं हूँ आपके साथ नैना शांडिल्य। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों के साथ। समाज के लोग गुस्से में आ गए और सड़कों पर आकर प्रदर्शन किए। बीते दिनों कस्बा कोच के मोहल्ला लाजपत नगर कोच बेटी आकांक्षा सैनी के ऊपर दिन दहाड़े कतिपय असामाजिक तत्वों द्वारा तेजाब फेंकने की कायराना हरकत की गई, जो आजकल मेडिकल कॉलेज झांसी में मौत से जूझ रही है। समस्त कुशवाहा मौर्य सैनी समाज की मांग है कि शीघ्र ही कांड के दोषियों को पकड़कर कानूनी कार्रवाई की जाए और पीड़िता को 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाए, तथा जब तक दोषी पकड़े ना जाएं तब तक उनके परिवार को प्रशासनिक द्वारा सुरक्षा दी जाए एवं भविष्य में किसी भी समाज की बहन बेटी के साथ ऐसी शर्मनाक घटना की जाती है तो समस्त कुशवाहा समाज एकजुट होकर संघर्ष करने के लिए बेबस होगा। यदि तेजाब कांड के दोषियों को 4 दिन के अंदर गिरफ्तार न किया गया तो समस्त कुशवाहा मौर्य सैनी समाज एकजुट होकर आंदोलन करने को विवश होगा। पूर्व विधायक शिवराम कुशवाहा ने कहा कि जिस तरीके से जिले व प्रदेश में बहन बेटियों के साथ घटना हो रही है बहुत ही निंदनीय है। इस सरकार में बहन बेटी बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। हम सबको मिलकर आवाज उठाने की जरूरत है, जिसके लिए शासन प्रशासन जिम्मेदार होगा। जालौन से सुंदरम सोनी की रिपोर्ट। ज्ञापन दिया गया है हमारी आकांक्षा बेटी के साथ जो घटना हुई है, हम पूरी समाज हमारी आज ज्ञापन दिया है और इस सरकार में वादे किए जाते हैं कि हम बहनों का सम्मान कर रहे हैं। आज आपको देखने को मिला है, जो अपने यहाँ ये घटना कभी नहीं होती थी, बड़े बड़े शहरों में होती थी, आज अपने जिले की बहुत बड़ी घटना है। इस संबंध में आज हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है और 4 दिन के अंदर अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो संपूर्ण समाज डीएम साहब का एसपी साहब का घेराव करेगी और सड़कों पे उतर के इस सरकार को बेनकाब करके उखड़ फेंकने का काम कुशवाहा समाज एवं अन्य समाज इनका पुरजोर विरोध करती है। और ऐसे अपराधियों को अगर फांसी की सजा दी जाए वो भी कम है और हमारी बेटी को आकांक्षा को न्याय मिलना चाहिए। हमारी कुशवाहा समाज की एक बेटी, एक मासूम बेटी के साथ में एक कुछ अपराधी किस्म के लोगों द्वारा जो एक बब्बरतापूर्ण तरीके से दिन दहाड़े तेजाब फेंक करके उसके